नेक्स्ट एक्सरसाइज डिपेंड करेगा आपका मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन पर। पहले देख लेते हैं मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन जो है वो किस तरीके से फाइंड करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दिया होगा, अब तक जो फंक्शन वाई से डिनोट करते थे, वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब समथिंग, अब वो फंक्शन डिनोट करेंगे एफ ऑफ एक्स से, फंक्शन ऑफ एक्स। दोनों का मीनिंग इज सेम, बस हमें क्या करना है, फंक्शन दिया है इसीलिए हम लोग एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, मिनिमम मैक्सिमा है इसीलिए हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक डेरिवेटिव हो गया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विल बी थ्री एक्स स्क्वेयर, फिर हमें क्या करना है यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर मतलब डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो दिस विल बिकम सिक्स एक्स। ये तीन चीज़ें इज कॉमन। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, फंक्शन जो है वो हमेशा इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, तो ये फंक्शन को ज़ीरो कंसिडर करके मतलब थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो कंसिडर किया मैंने, तो इसके थ्रू मुझे क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि एक्स का एक ही वैल्यू हो या तो फिर मल्टीपल दो वैल्यूज हो सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन होता है तो एक्स के दो वैल्यूज पॉसिबल है, और अगर फैक्टराइजेशन नहीं होता है तो मे बी एक ही वैल्यू पॉसिबल हो, तो यहाँ पर मुझे एक्स विल बी इक्वल्स टू समथिंग मिलेगा। इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो, एक्स का वैल्यू ज़ीरो से कम है तो फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमम। दिस इज अ रूल ऑफ डेरिवेटिव, किस तरीके से वो आगे प्रूव भी करेंगे, पर अगर इफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो तो फंक्शन हो जाएगा हमारा मिनिमम। तो हमारे पास एक्स के जो दो वैल्यूज आए उसमें से हमें पता चलेगा मैक्सिमम फंक्शन कौन सा है, मिनिमम फंक्शन कौन सा है। फिर ये जो दो वैल्यूज है उसे मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगी, सब्स्टिट्यूट टू वैल्यूज ऑफ एक्स इन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का जो डेरिवेटिव निकाल के इक्वेशन रखा है उसे मैं ये दो वैल्यूज से सब्स्टिट्यूट करूँगी, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक है मैक्सिमम फंक्शन और दूसरा है मिनिमम फंक्शन। तो ये जो मैक्सिमम फंक्शन रहेगा उसका वैल्यू जो है वो हाईएस्ट रहेगा और मिनिमम फंक्शन का वैल्यू विल बी लोएस्ट, तो प्रूव हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है मैक्सिमम है विथ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आंसर। किस तरीके से एग्जैक्टली हम लोग सम्स के साथ देख लेते हैं, बस ये ध्यान में रखिएगा इफ एक्स का वैल्यू इज लेस देन ज़ीरो है तो फंक्शन विल बी मैक्सिमम, एंड इफ एक्स का वैल्यू इज ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फंक्शन विल बी मिनिमम। स्टार्ट करते हैं सम से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको तीन सम दिए हैं, जिसमें से फर्स्ट इज नॉर्मल इक्वेशन जिसे हमें लीनियर इक्वेशन से वैल्यूज मिलेंगे, सेकेंड और थर्ड हम ट्राई करते हैं। सेकेंड क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू फोर माइनस 32x। फंक्शन दिया हुआ है, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विल बी 4x क्यूब माइनस 32x। 32x तक आ गया, माइनस 32x। फिर एल्स फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, 4x क्यूब माइनस 32 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, 4x क्यूब इज इक्वल्स टू 32, क्यों, क्योंकि 32 को हमने ज़ीरो के साथ शिफ्ट कर दिया। माइनस का प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट विल बी 4 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो 32 डिवाइड बाय 4, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 8, 4 × 4 = 32, एंड देयर फोर हमारे पास यहाँ पर एक्स की एक ही वैल्यू है, दैट इज 2, एक ही वैल्यू आ गई। ये हमें क्या मिलेगा यहाँ से, फंक्शन मिनिमम है कि मैक्सिमम, एस एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो द फंक्शन इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। किस तरीके से, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो
डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, तो दिस विल बिकम, और अगर आपको ये यहाँ पर नहीं करना तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करके रखेंगे तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करके रखते हैं, x इज इक्वल्स टू ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर, 32 का जीरो 3 आगे आ जाएगा, 4 थ्री जाए 12 रेज टू 2, और फिर नीचे लिख देंगे एज फंक्शन इज इक्वल्स टू 0। क्या करना है हमें, डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x का वैल्यू पुटअप करना है, दिस विल बी इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स स्क्वेयर, 12 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 48। तो ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, द फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 2 विद द वैल्यू 48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर एस फंक्शन का है तो x का सिंगल वैल्यू था, क्यूब जो है वो कभी भी निगेटिव का क्यूब पॉजिटिव नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस ही है, और अगर यही स्क्वायर होता तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के चांसेस होते। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वन, क्या दिया हुआ है, फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 25 बाय एक्स। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डायरेक्टली, या तो फिर अगर मेंशन करना है तो यू हैव टू राइट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, डिनोट करेंगे उसे डेरिवेटिव को और आंसर मिलेगा एक्स का डेरिवेटिव इज 1 प्लस 25 इंटू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों ने डेरिवेटिव के फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है, तो दिस इज 1 माइनस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर फाइंड करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव विल बी 0 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो वापस साइन चेंज हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 25, कांस्टेंट है 25 बाहर ले लेंगे, इनटू माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। इस तरीके से डेरिवेटिव आएगा, हमने उसका तरीका देखा हुआ है प्रीवियस चैप्टर में, 20 माइनस 25 इंटू माइनस 2 इज प्लस 50 अपॉन एक्स क्यूब। ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर। हमें इससे क्या मिलेगा, कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, एज फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस का साइन चेंज हो जाएगा हमारा, तो 1 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन एक्स स्क्वायर, देयरफोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 एंड हेंस हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू इज 25 है, देयरफोर एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 25, वरना इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 5, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 5। हमारे पास x के दो वैल्यूज़ आ गए, दो वैल्यूज़ के बाद मैंने आपको कहा था ग्रेटर देन लेस देन 0, तो क्या लिखेंगे एज x इज ग्रेटर देन 0, द फंक्शन ऑफ x इज मिनिमम, फंक्शन ऑफ x इज मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 5, ग्रेटर देन 0 इसीलिए यहाँ पर इक्वल्स टू 5, विद द वैल्यू ये वैल्यू हम लोग पुट अप करेंगे एक तो इक्वेशन में, दैट इज फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x में वैल्यू पुट अप करेंगे, फंक्शन ऑफ x क्या है हमारा x प्लस
25 अपॉन x, यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 25 अपॉन 5, दैट इज 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10, फंक्शन ऑफ x विथ वैल्यू ऑफ x। और सेकेंडली हमें यहाँ पर क्या डालना है, बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या है हमारे पास 50 अपॉन एक्स क्यूब, दैट इज 50 अपॉन 5 का क्यूब, 50 अपॉन 125, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज लेस देन 0, मतलब हमारा वैल्यू जो है वो मिनिमम है। वही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंडली लिखेंगे x इज लेस देन 0, देयरफॉर द फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू माइनस 5 विथ द वैल्यू। वैल्यू कहाँ पुटअप करेंगे हम लोग, फंक्शन ऑफ x में। फंक्शन ऑफ x क्या दिया है, x प्लस 25 अपॉन x, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 25 अपॉन माइनस 5, दैट इज माइनस 5 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 10। माइनस 10 आ गया, वापस यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टेस्ट लिखेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 50 अपॉन माइनस 125 डायरेक्टली लिख देते हैं, दैट इज यहाँ पर 50 अपॉन, दिस इज ग्रेटर देन 0, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा इज लेस देन 0, इसीलिए अगर लेस देन है तो डेरिवेटिव विल बी, या तो फिर वैल्यू विल बी मैक्सिमम, और वही ग्रेटर देन 0 है इसीलिए वैल्यू विल बी मिनिमम। ये है हमारा मिनिमा मैक्सिमा फंक्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। आगे के जो क्वेश्चन है आप सॉल्व एग्जाम्पल को रेफर करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया है, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 6, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द अदर नंबर। हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि दो नंबर्स हैं जिसका एडिशन इज 6, मुझे क्या फाइंड करना है, तो नंबर रेज टू टू इन टू अनदर नंबर, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू। एक नंबर का दो पार्ट करना है तो हम लोग क्या लेंगे, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई मैंने ले लिया, यहाँ पर दो नंबर्स है मेरे पास, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू मुझे फाइंड करना है। उन्होंने बोला है सम ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इंटू अनदर वन, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर हम लोगों को फाइंड करना है। तो लेट दो नंबर्स, यानी कि लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, देयर फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। हमने यहाँ पर दो अलग अलग नंबर लिए हैं, वेर इज प्रीवियस सम में डिवाइड एनी नंबर इंटू टू पार्ट्स, वहाँ पर ना सिर्फ एक वेरिएबल से चल जाता था, यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल्स होने चाहिए, अगर दो वेरिएबल्स नहीं लेते तो देट वुड बी एक्स एंड 6 माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर फाइंड करना बहुत ट्रिकी, इसलिए हमने क्या किया, सिंपली एक्स और वाई ले लिया। दो वेरिएबल्स लिए हैं जिसका एडिशन इज 6, एंड यू हैव टू फाइंड फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू क्वेश्चन। ये हो गया आपका दो कंडीशंस, एक दिया है एक आपको फाइंड करना है, तो ये हो कंडीशंस मिल गए हमें। अब क्या करना है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ एक्स
फंक्शन ऑफ एक्स कब कहलाएगा, जब ये इक्वेशन जो है वो कम्प्लीटली एक्स फंक्शन से ही रिलेट करेगा, ना कि वाई फंक्शन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वाई की वैल्यू जो है वो डाल देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। देयरफोर वाई विल बी इक्वल्स टू सिक्स माइनस एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन देना है तो भी ठीक है, नहीं भी दिया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये फिलहाल ही हमें चाहिए। अब y का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। y की वैल्यू फाइंड की, y की वैल्यू जो है हमें इस इक्वेशन में डालनी है। क्यों इस इक्वेशन में, क्योंकि इसका मैक्सिमम फंक्शन हमें फाइंड करना है। इसलिए सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू सिक्स माइनस एक्स इन एक्स स्क्वायर वाई। क्यों, ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे हम फंक्शन कंसिडर करके इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा सिक्स माइनस एक्स द होल स्क्वायर इंटू एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू सिक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स। दो वेरिएबल्स कब काम आएंगे वो आगे हमें पता चलेगा। दिस विल बिकम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू सिक्स और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ एक्स। फिर इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो दिस विल बिकम ट्वेल्व एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर के बाद, फर्स्ट ऑर्डर के बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 12 माइनस सिक्स एक्स। ये हमारे पास दो ऑर्डर के डेरिवेटिव। फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हमें क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ एक्स एज फंक्शन इक्वल्स टू जीरो। देयरफोर 12 एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। 3x स्क्वायर दूसरे साइड ले लेंगे, तो 12x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, माइनस का प्लस हो गया। यहाँ पर 3 जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो दिस विल बिकम 12 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स। क्यों, यहाँ पर एक्स है जो मैंने राइट हैंड साइड में डाल दिया, और यहाँ पर कांस्टेंट है जो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। दिस विल बिकम एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो अगर हम एक्स का वैल्यू यानी कि एक नंबर का वैल्यू जो है वो कंसिडर करें 4, तब जाके हमारा सोल्यूशन विल बी मैक्सिमम। देयरफोर सब्स्टिट्यूटिंग the value, therefore y will be equals to 6 minus 4 that is equals to 2। तो x और y दो values आ गए, अब क्या करेंगे substituting, the value in x square y। तो x के जगह पर x का वैल्यू, y के जगह पर y का वैल्यू। दिस विल बिकम 4 स्क्वायर इंटू 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 32। देयरफोर द प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 2 विद द वैल्यू थर्टी टू। ये है हमारा सॉल्यूशन स्टेटमेंट। सेकेंडली मैक्सिमम मिनिमम अगर हम मेंशन नहीं भी करें और वो फाइंड भी नहीं करें, तो जो x का वैल्यू है यहाँ पर ऐसे सेंस में, अगर x का वैल्यू एक ही आया है तो दैट मस्ट बी कंसिडर जो आपको क्वेश्चन में पूछा है। जैसे यहाँ पर अगर मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम, अगर मिनिमम पूछा है तो वो स्टेटमेंट चेंज करना है, बाकी
हमारा सॉल्यूशन जो है वो चेंज नहीं होगा, ड्यू टू एक्स का वैल्यू जो है वो सिंगल ही है, दूसरा कोई वैल्यू नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है आपके क्वेश्चन नंबर 6 से, अप टू क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पर कुछ सम सॉल्व किए, बाकी आप सॉल्व एग्जाम्पल को रेफर करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इफ मिस्टर राणे ऑर्डर्स एक्स शेयर्स एट अ प्राइस टी इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 12x माइनस 192 पर चेयर, हाउ मैनी चेयर शुड ही ऑर्डर सो दैट द कॉस्ट ऑफ डेल इज मैक्सिमम। हमारे पास एक ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है कि एक चेयर परचेज करने के लिए ना मिस्टर राणे ने इतना कॉस्ट बेयर किया है, तो इकोनॉमिकल डील फाइंड करनी है। व्हाट इज इकोनॉमिकल डील? अगर मैं एक्स चेयर्स भी मंगवा रही हूँ, सपोज मैं एक चेयर ऑर्डर कर रही हूँ, तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी हमारा समथिंग 200 रुपीज। क्यों? क्योंकि वो एट अ टाइम एक कार का वही रेंट लेगा या कॉस्ट लेगा। अगर वही मैं 5 चेयर्स भी लूँगी ना, तो 200 ही होगा, 6 चेयर्स के लिए भी 200 रुपीज़ होगा कॉस्ट, 7 चेयर्स के लिए ना उसको बड़ा कार लगेगा, तो 200 से कॉस्ट बढ़ जाएगा हमारा 300 एग्जांपल। तो एक चेयर लानी है या 6 चेयर लानी है, हम ट्राई करेंगे कि एट ए टाइम में 6 चेयर्स लाओ, तो मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है पर चेयर वो बढ़ेगा नहीं, वो उतना ही रहेगा। तो दिस इज नोन एज इकोनॉमिकल डील या मिनिमम कॉस्ट डील, के एट ए टाइम अगर मैं 6 यूनिट्स परचेज करती हूँ तो मेरा कॉस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में वही फाइंड करना है कि हमें एट ए टाइम या तो फिर मिस्टर राणे को एट ए टाइम कितनी चेयर्स जो है वो बाय करनी है, जिसके वजह से उसका कॉस्ट विल बी मिनिमम या इकोनॉमिकल डील होगा। आपको कुछ क्वेश्चंस में इकोनॉमिकल डील टर्म भी यूज़ हुआ है, इसीलिए मतलब आपको ध्यान में होना चाहिए। तो हमारे पास ये क्या है, प्राइस ऑफ 1 चेयर, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेसिंग एक्स नंबर ऑफ चेयर्स, मतलब प्राइस इनटू एक्स, 2x² माइनस 12x माइनस 192 द होल मल्टीप्लाई बाय एक्स। क्यों? क्योंकि मैं मल्टीपल चेयर्स ला रही हूँ, और आपके क्वेश्चन में मेंशन किया है कि मिस्टर राणे जो है ऑर्डर्स एक्स चेयर एट अ प्राइस इतना पर चेयर, तो हमें नंबर ऑफ एक्स चेयर्स के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, इनटू एक्स यूनिट्स करना पड़ेगा। तो कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू 2x³ माइनस 12x² माइनस 192 एक्स। अब ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि कॉस्ट जो है या तो फिर ऑर्डर जो है मैं क्या करूँगी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट डिसाइड करूँगी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 6x² माइनस 24x माइनस 192। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम लोग, 12x माइनस 24। ये जो है वो हमें बाद में लगेगा, अगर यहाँ पर फाइंड करना है फिर भी ठीक है। x के वैल्यूज फाइंड करने के बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे, देन टू इट्स नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एज फंक्शन या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0, देयर फोर 6x² माइनस 24x माइनस 192 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक x² के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे ये 6 जो है वो कॉमन होगा कि नहीं। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर कॉमन निकलेगा 6, तो यस 6 3 18 एंड 6 2 12, तो 32 इंटू 6 में भी 192। 6 कॉमन आ गया, x² माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई है, 0 डिवाइड बाई 6 करेंगे 0 रहेगा, तो x² माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है 32 के, माइनस 32 के दो वैल्यूज़ जिसका एडिशन विल बी माइनस 4, तो 8 4 32 माइनस 8 एंड प्लस
फोर। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन चाहिए और एडिशन में भी नेगेटिव का साइन चाहिए, इसलिए बड़ा नंबर विल बी माइनस। सो एक्स माइनस एट और एक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देयरफॉर एक्स माइनस एट इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल्स टू एट। ये हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड। सिमिलरली एक्स इज इक्वल्स टू माइनस फोर, ये हो गया एक्स का दूसरा वैल्यू। एज यहाँ पर एक्स क्या है तो नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कभी भी नेगेटिव में होंगे तो नेवर, क्योंकि हमें ऑर्डरिंग यूनिट्स जो है वो हमेशा स्टार्ट होंगे वन से। तो इसीलिए एज एक्स कैन नॉट बी, एज एक्स इक्वल्स टू जीरो इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर हमें एक्स का वैल्यू क्या कंसिडर करना है, एट। फिर फाइंड करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैंने यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हटा दिया है, इसलिए यहाँ पर फाइंड करेंगे तो दिस विल बिकम 12x माइनस 24। अब क्या करेंगे हम, x की जो वैल्यू है उसे फंक्शन में अप्लाई कर देंगे। द मोस्ट इकोनॉमिकल डील या तो फिर मिस्टर राणे शुड परचेज 8 chairs एट ए टाइम इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉस्ट विद द वैल्यू। विद द वैल्यू क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8 का क्यूब माइनस 12 इंटू एक्स का स्क्वायर। या तो फिर क्या करेंगे, 8 जो है यानी कि x जो है वो कॉमन निकाल के 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 192, 8 इंटू 2 इंटू 64 माइनस 12 इंटू 8 माइनस 192, 8 इंटू 64 टूजा विल बी 128 माइनस 12 एज आर 96 माइनस 192। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा। फिर वही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी हमें लेना है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 8 जो है वो पुटअप करेंगे 24 12 into 8 minus 24। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। हमें दिया है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स और प्राइस पर यूनिट। हमें फाइंड करना है प्रॉफिट, प्रॉफिट या तो फिर मैक्सिमम चेयर्स दैट कैन बी सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा प्रॉफिट का। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। एज यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, प्राइस इंटू यूनिट्स कर देंगे। प्राइस इज 180 माइनस एक्स इंटू एक्स यूनिट्स, दिस विल बिकम 180x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा रेवेन्यू। देन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू 180x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 5। ऐसा सब हम लोगों ने आगे किया हुआ है प्रीवियस एक्सरसाइज में, लेकिन उसमें बस एक कर्व चेंजेस करना है कि मिनिमा मैक्सिमा फंक्शन फाइंड करना है, वेरिज वहाँ पर बस हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड करते थे। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 180x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 5। इसको एक साथ और ये एक साथ आ जाएगा तो दिस विल बिकम 120x माइनस 2x माइनस 5, सॉरी 120x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5। फिर हमें क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 4x माइनस 0।
दैट इज 120 माइनस 4x। अब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसे फंक्शन ऑफ x कह दिया तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, तो 120 माइनस 4x इज इक्वल्स टू जीरो, 120 इज इक्वल्स टू 4x, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 120 अपॉन 4, हेंस x इज इक्वल्स टू 30। तो हमें सेल्स जो है कितने यूनिट्स का करना है, मैक्सिमम 30 यूनिट्स टू अर्न, मैक्सिमम 30 यूनिट्स टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट 30 यूनिट्स नीड्स टू बी सोल्ड। मतलब हम लोग जब मैक्सिमम 30 यूनिट सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कितना होगा, एटमोस्ट होगा, कम से कम नहीं आएगा। आपको यही क्वेश्चन रेफर करके क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 9 को रेफर करके क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 7 को रेफर करके क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ट्राई करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और 11 जो है वो सिमिलर है, आपको 12 रेफर करके क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो एज इट इज सॉल्व करना है विदाउट एनी डिफरेंस। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ होलसेल मर्चेंट ऑब्जर्व्स दैट डिमांड फंक्शन फॉर चिले इज प्राइस, डिमांड फंक्शन फॉर चिले इज पी इज इक्वल्स टू 31e रेस टू माइनस क्यू बाई 5, वेयर क्यू इज क्वांटिटी डिमांडेड फॉर चिलीज, फॉर व्हाट डिमांड रेवेन्यू इज मैक्सिमम। हमें क्या फाइंड करना है, डिमांड क्या होगा जिसके वजह से रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम होगा। रेवेन्यू पूछा है, रेवेन्यू फंक्शन, इसीलिए पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, रेवेन्यू। अब तक क्या दिया होता था, प्राइस फंक्शन पी से होता था और डिमांड फंक्शन इधर क्यू से या तो फिर एक्स से, डी से या तो फिर एक्स से। फिलहाल ये क्वेश्चन में हमें डिमांड फंक्शन जो है वो क्यू से दिया हुआ है, इसलिए हम रेवेन्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस क्या है, 31e रेस टू माइनस क्यू बाई 5 इंटू क्यू, दैट इज इक्वल्स टू 31q इंटू ई रेस टू क्यू बाई 5 माइनस क्यू बाई 5। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है हमारा फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 31 कांस्टेंट है बाहर रख देते उसे, इनटू डेरिवेटिव आपको पता है मल्टीपल फॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन है, क्यू इनटू ई रेस टू समथिंग, तो फर्स्ट यू यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ वी क्यू बाई 5 इनटू d by dq of minus q by 5, क्यों, क्योंकि e raise to something है और वो भी multiple terms। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर confusion होने का ज़्यादा chances है। वापस एक बार देख लेते हैं, u v rule apply करेंगे हम लोग, u into derivative of v plus v into derivative of u, 31 constant है इसलिए bracket के बाहर, तो this is u into derivative of v प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। हम लोगों ने यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू क्यू फाइंड करना है डेरिवेटिव, क्योंकि कॉन्स्ट वेरिएबल जो है वो क्यू है, इसलिए क्यू का डेरिवेटिव विल बी 1। ये स्पेस क्यों रखा है, क्योंकि ई रेस टू एक्स नहीं है, सिर्फ क्यू नहीं है, वहाँ पर मल्टीपल टर्म्स है, इसलिए यहाँ पर इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्यू बाई 5। क्यू बाई 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो माइनस 1 बाई 5। किस तरीके से, माइनस क्यू बाई 5 है तो यहाँ पर 1 बाई 5 कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर, माइनस n, क्यू का डेरिवेटिव इज 1, तो दिस विल बिकम माइनस 1 बाई 5। तो ये हो जाएगा 31q या तो फिर e रेस टू 5 e रेस टू माइनस क्यू बाई 5 कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट में बच गया हमारे पास q बाई 5 प्लस 1। ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव।
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी उसी तरीके से फाइंड करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, क्यू का वैल्यू फाइंड करना है एज फंक्शन इज इक्वल्स टू ज़ीरो. फंक्शन इज इक्वल्स टू ज़ीरो 31 ई रेज टू माइनस क्यू बाय 5 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस क्यू बाय 5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. इक्वल्स टू के नेक्स्ट साइड चले जाएगा तो दिस विल बिकम माइनस क्यू बाय 5 इक्वल्स टू ज़ीरो क्यू बाय 5. नेक्स्ट राइट हैंड साइड तो 1 इज इक्वल्स टू क्यू बाय 5. देयरफॉर q इज इक्वल्स टू डिविजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में, और q का वैल्यू विल बी 5. हैंस मर्चेंट शुड सोल्ड, हैंस मर्चेंट शुड सेल 5 यूनिट्स टू अर्न मैक्सिमम रेवेन्यू एट गिवन प्राइस. प्राइस क्या दिया है यहाँ पर 31 ई रेस टू समथिंग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना है और उसके बेसिस पर यूनिट्स जो है वो मिलेंगे हमें. फाइंड द मिनिमम एवरेज कॉस्ट फॉर आउटपुट ऑफ एक्स इफ कॉस्ट फंक्शन इज गिवन इज. तो हमें यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 17x प्लस 100. ऑल्सो फाइंड मार्जिनल कॉस्ट एट दैट आउटपुट, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स हमें फाइंड करने हैं, उसके बेसिस पर मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा. एवरेज कॉस्ट हमें पता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, तो कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स है हमारा एवरेज कॉस्ट. और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन फंक्शन. एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इस तरीके से मिलेगा, एक्स का वैल्यू हमें एवरेज कॉस्ट से मिलेगा और वो एक्स का वैल्यू हमें यहाँ पर अप्लाई करना है. देयरफॉर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 100 अपॉन 9 डिवाइड बाय एक्स. क्यों कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स, क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर अपॉन 9x प्लस 17x अपॉन एक्स प्लस 100 अपॉन एक्स. इस तरीके से करना है वो वैलिड है, और अगर आपको ऐसे नहीं करना तो ये 9 जो है वो एलसीएम लेके चेंज कर दीजिए. तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट जो है, फंक्शन ऑफ एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 9 प्लस 17 प्लस 100 अपॉन एक्स. हमें फाइंड करना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका विल बी ज़ीरो. एक्स बाय 9 का डेरिवेटिव इज 1/9 प्लस 0 प्लस 100 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, तो ये इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं एक्स रेज टू माइनस 1. इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 100 इंटू एक्स रेज टू माइनस 2, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 100 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो 100 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करने का ये तरीका है, आपको ध्यान में रखना है. तो ये हो जाएगा माइनस 100 अपॉन एक्स स्क्वायर. एज हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इक्वल्स टू ज़ीरो. तो हम क्या करेंगे, 1/9 माइनस 100 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो ले लेंगे. इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड चले जाएगा हमारा वैल्यू, तो 1/9 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन एक्स स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 900. 900 वैल्यू आने के बाद एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर x will be equals to plus minus 30. q minus 30 का square is also 900, plus 30 का square is also 900. But x is equals to cannot be equals to minus 30, क्योंकि यहाँ पर क्या है, units है, units कभी भी negative में नहीं आते, previous question में हमने discuss किया था. So
एक्स इज इक्वल्स टू 30। अब हमें क्या फाइंड करना है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज इक्वल्स टू कॉस्ट है और उसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 17x प्लस 100। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 9 प्लस 17। 100 का डेरिवेटिव विल बी 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो 1/9 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, फिर x का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x। अब हमें फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल्स टू 30। लिख दिया तो 2 इंटू 30 अपॉन 9 प्लस 17, तो ये हो जाएगा 3 जा एंड 10 जा 20 प्लस 17 3 6.67 प्लस 17, तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा 23.67। ये है हमारा आंसर। यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज, अगर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना भी है तो इसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा, एक्स के जो वैल्यू है एज -30 नहीं हो सकता, इसीलिए एक्स का वैल्यू हम कॉस्ट फंक्शन में डालेंगे, एवरेज कॉस्ट फंक्शन में डालेंगे और उसी तरीके से आपको ये पूरा सम सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। X टर्न ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस बाय अ फर्म एट अ टोटल कॉस्ट C इज इक्वल्स टू रुपीज, गिवन बाय द इक्वेशन फॉर व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट द मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम एंड अल्सो फाइंड द मार्जिनल आउटपुट, मार्जिनल कॉस्ट एट दैट आउटपुट। यहाँ पर सेम जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 किया उसी तरीके से सॉल्व करना है, बस डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताया गया था कि एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम है, यहाँ पर एवरेज कॉस्ट कहीं पर भी उन्होंने मेंशन नहीं किया, जिसके वजह से हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट के बेसिस पर ही मार्जिनल कॉस्ट और आउटपुट दोनों भी फाइंड करने हैं। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट फंक्शन दिया है तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स 2x³/3 माइनस 4x² प्लस 43x प्लस 71। ये क्या हो जाएगा फंक्शन, 2x³ का डेरिवेटिव विल बी 6x² / 3। अगर इस तरीके से नहीं तो 1/3 कॉन्स्टेंट इंटू 3 इंटू 2x². ऐसे क्यों लिया, ये 3 कट हो सकता है तो डायरेक्टली कट कर देंगे, माइनस 8x प्लस 43। 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा 2x² माइनस 8x प्लस 43। ये हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। हमारे पास यह फंक्शन क्या आ गया, तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। हमें फाइंड करना है मिनिमम कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मार्जिनल कॉस्ट, इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट को हम कंसिडर करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स मार्जिनल कॉस्ट को कंसिडर किया तो क्या हो गया, 2x² माइनस 8x प्लस 43। हमें क्या चाहिए, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके बाद एक्स का वैल्यू। आपको ये डिसाइड करना है कि ये स्टेप क्यों किया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, हमारा नॉर्मल जो हम लोगों ने सम किया था उसमें क्या हुआ करता था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया उसी से एक्स का वैल्यू मिला, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फंक्शन कंसिडर करके उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है उसके बेसिस पर मुझे आउटपुट जो है वो फाइंड करना है, इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस 8, एज हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर
फोर एक्स माइनस एट इज इक्वल्स टू जीरो, फोर एक्स इज इक्वल्स टू एट एंड एक्स इज इक्वल्स टू टू। तो हमारे पास क्या आ गया, मार्जिनल कॉस्ट का आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट इज एक्स इज इक्वल्स टू टू, डिवाइड किया है डायरेक्टली टू आ गया। फिर हमें फाइंड करना है फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट एट द आउटपुट टू। तो एक्स के जगह पर टू का वैल्यू पुट अप कर देंगे, एक्स का वैल्यू पुट अप कर देंगे, दिस विल बी स्क्वेयर माइनस एट इंटू टू प्लस 43। तो फोर टू ज़ा एट माइनस 16 प्लस 43, दिस विल बी 43 माइनस 8, हो जाएगा 35। तो हेंस हमारा आंसर क्या होगा, 35 एट मार्जिनल कॉस्ट एट एक्स इज इक्वल्स टू टू। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। जो सम हमारे यहाँ पर स्किप हुए हैं वो आपको सेल्फ असाइनमेंट के तरीके से करने हैं। उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो वो सम्स में, या तो एक्स्ट्रा सम्स जो आप सॉल्व कर रहे हो उसमें डाउट आए, तो आपको क्या करना है, बस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका आपको वीडियो ट्यूटोरियल प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।